वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, होप सब बढ़िया होंगे। अगर बात की जाए एक फैमिली सेडान गाड़ी की ना, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बट अगर मैं आपको एक कंडीशन लगा दूँ, आपको चाहिए एक फन टू ड्राइव सेडान गाड़ी, तो थोड़ा सा आप सोचने पर मजबूर होंगे, बट ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। स्कोडा आपको ऑफर करती है स्लाविया। अब स्लाविया में 2024 में थोड़े बहुत बदलाव किए गए, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कितने वेरिएंट है, कितने इंजन ऑप्शन है, क्या प्राइस वगैरह, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आइए रिव्यू शुरू करते हैं। ओके, सो एज यूजुअल हम रिव्यू चाबी से शुरू करते हैं। कुछ इस तरह की फ्लिप की आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे लॉक अनलॉक और इसे प्रेस करके रखोगे तो आपकी डिक्की खुल जाएगी, बट आपको बंद हाथ से ही करना पड़ेगा, उसका कोई ऑटोमेटिक सिस्टम आपको नहीं रखा गया है। इससे पहले वीडियो आगे बढ़े, स्पेशल थैंक्स टू कृष्णा स्कोडा लुधियाना, जिन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड की। शोरूम की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो अगर आपको स्कोडा की कोई भी प्रोडक्ट देखनी है तो यू शुड डेफिनेटली विजिट। अब बात करते हैं इसके प्राइजेस वगैरह की, तो प्राइजेस वगैरह मैं रिवील करूँ, इससे पहले दो चीज़ और इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है 1000 cc का पेट्रोल इंजन और एक है 1500 cc का पेट्रोल इंजन। दोनों में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल रखी गई है। फिलहाल जो अभी हमारे सामने आप जो वेरियंट देख पा रहे हो, ये है स्टाइल 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ मैनुअल में, जिसकी एक शोरूम कीमत रखी गई है 15,63,000 रुपीज़। वही अगर आप इसका ऑटोमेटिक में जाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 16,93,000 रुपीज़ 1 लीटर इंजन के साथ स्टाइल वेरिएंट में। तकरीबन इससे अगर आप ऑटोमेटिक में शिफ्ट होते हैं ना मैनुअल से, तो आपको तकरीबन डिफरेंस जो है 70,000 से 73,000 रुपये का डिफरेंस आपको रखा गया अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक में शिफ्ट होते हो। खैर ये तो अपना पर्सनल चॉइस है, अगर आप ऑटोमेटिक में जाना चाहते हो फिर मैनुअल में। वही अगर आप स्टाइल में 1.5 लीटर मैनुअल परचेस करते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे 70,43,000 रुपीज़। अगर आप इसके सबसे बेस वेरिएंट में जाते हो ना, तो प्राइस स्टार्ट होती है इसकी एक्टिव की, जो कि एक्टिव नाम से आती है, उसकी कीमत रखी गई 11,53,000 रुपीज़। ये सारी चीज़ें थी प्राइजेस वगैरह जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बात करते हैं गाड़ी में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। सामने में है लावा ब्लू कलर, देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पर आप देखो DRLs आपको देखने को मिल जाते हैं, ये चीज़ आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप, लाइट्स है, हेलोजन में आपको यहाँ पे इंडिकेटर रखे गए हैं। एक चीज़ यहाँ पे डिटेलिंग गौर करो, स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ अगर आप शिफ्ट हो गए, फॉग लैंप आपको देखने को मिलती है, क्रोम ट्रीटमेंट है, ट्विन हुक वगैरह के लिए यहाँ पर रखे गए। वर्टिकल स्लॉटेड आपको ग्रिल देखने को मिलता है, एकदम दहाड़ता हुआ क्रोम ट्रीटमेंट के साथ। स्कोडा का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। और एक बार आप प्रोफाइल चेक करो गाड़ी की गाइस, कितनी बढ़िया लग रही है एकदम। और सबसे अच्छी चीज़ आपको इसमें जो ग्राउंड क्लीयरेंस कंपनी ऑफर करती है वो है 180 mm का। मतलब जनरली हमने ये चीज़ें SUV वगैरह में देखी है इतनी ग्राउंड, बट आपको स्कोडा 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस ऑफर कर रही है। बाकी बात करें टायर साइज की, तो 205/55R16 के आपको टायर देखने को मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय रिम्स के साथ में आते हैं ये। अगर आप इसका बेस वेरिएंट में जाओगे तो आपको सिंपल सिल्वर कलर में देखने को मिलेगी। फ्रंट में डिस्क आती है, पीछे में आपको ड्रम देखने को मिलती है। ये चीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं समाव खटकती है कि जो इसके राइवल्स है उसमें आपको इस प्राइस पॉइंट पे पीछे में भी डिस्क देखने को मिलती है, बट इसमें आपको देखने को नहीं मिलती। और इंजन वगैरह की बात की तो ये है 1000 cc का पेट्रोल इंजन, जो कि आपको प्रोड्यूस करता है 114 bhp और 178 Nm का टॉर्क। भाई टॉर्क इंजन है, पावरफुल इंजन है, इसलिए हमेशा इस गाड़ी को चलाने में हमेशा आपको मजा आता है, फन टू ड्राइव एक तरह से हमेशा कह सकते हैं। पीछे बात करें डिफॉगर वगैरह देखने को मिल जाती है, शार्फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। पीछे से स्टाइलिंग वगैरह की बात की जाए, भाई ज़बरदस्त लगती है देखने में। LED यहाँ पे आपको सेटअप में, टेल लैंप रखे गए हैं, रिफ्लेक्टर है यहाँ पे। यहाँ पे बात करें यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह हो गए, रिवर्स लैंप हो गए, क्रोम पैटर्न में आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलता है, सेंसर वगैरह है, कैमरा आपको वहाँ पे प्लेस की जाती है। स्कोडा की ब्रांडिंग, स्लाविया की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्रेक लैंप वगैरह प्रोवाइड की जाती है। बूट खोलते हैं तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगती है, मतलब एक टच तो पूरी बूट आपकी खुल जाती है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये चीज़ हो जाता है। बूट स्पेस भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा आपको यहाँ पे बूट स्पेस ऑफर की जाती है। ये 521 लीटर का बूट स्पेस है, काफ़ी प्रैक्टिकल, अच्छा खासा सामान यहाँ पे आ जाता है। और एक काम की चीज़ आप देखो, स्पीयर व्हील तो आप देख ही पा रहे हो, 16 इंच का, इसमें कोई क्रॉस कटिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती है। बट ये चीज़ क्या है, ये कोई टूल्स वगैरह नहीं है, ये आपके सब बूफर यहाँ पे रखे गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो वायरिंग वगैरह कनेक्शन है। तो ये इतनी अच्छी तरीके से प्लेस थी, मैंने जब पहली बार देखा ना मुझे लगा कि ये कोई स्पेयर टूल्स वगैरह, बट यहाँ पे देखो ये बूफर यहाँ पे आपको रखा गया है। भाई ग्रेट थम्स अप है एक इस चीज़ को लेके। और एक चीज़ अच्छी लगी, जो इसका जो डिपार्चर एंगल है वो भी आप देखो अच्छा खासा रखा गया है, कहीं पे टच वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड देखने को मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड। बाकी यहाँ पे क्रोम वगैरह के ट्रीटमेंट आपको रखे गए। अब अंदर से चल के सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करते हैं, बट अंदर जाने से पहले एक बार आप गाड़ी की लुक ले लो, भाई ज़बरदस्त लग रही है देखने में। ये जो कलर है खतरनाक देखने का आता है, एक इसका ब्लैक कलर भी बहुत शानदार लगता है देखने में हमें। ओके, सो यहाँ से बात करते हैं सारी चीज़ें, ट्विटर वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल जो है वो आपके जो क्रोम में हो गए, सॉरी डोर नॉब जो हो गए, यहाँ पे हैंडल वगैरह आपको प्लास्टिक में ही रखी गई, थोड़ा सा सॉफ्ट टच यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। पावर विंडो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, 1 लीटर का बॉटल तो नहीं, 1/2 लीटर का बॉटल आराम से शायद आ जाएगा, हाँ 1/2 लीटर का आ जाएगा, 1 लीटर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। स्पीकर वगैरह हैं आपको इसमें, हर एक दरवाजे में स्पीकर, ट्विटर
चार देखने को मिल ही जाता, बाकी एक सबवूफर पीछे रखा ही गया था। आपको तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्टेबल टाइप का रखा गया है। कन्वीनियंट के लिए आपको यहाँ पे दो कप होल्डर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एसी वेंट्स हैं, यहाँ पे टाइप सी के आपको एक चार्जर देखने को मिलते हैं, अच्छी चीज है, बट एक ए टाइप का भी दे देना चाहिए था। बाकी बात करते हैं बैग के, मेरी हाइट है 5'9", जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ, तो उस हिसाब से देखो अच्छा खासा मुझे नीरूम मिल जा रहा है, अंदर थाई सपोर्ट भी बेस्ट है। वही अगर हेडरूम के लिए बात करूँ तो आप देखो कुछ इस तरह का आपको हेडरूम देखने को मिल जा रहा है, मतलब सफिशियंट है 5-9 बंदों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। बाकी यहाँ पे बात करें आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है जो कि एलईडी सेटअप में है, बट एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है ना कि यहाँ पे आपको जो ब्लाइंड्स वगैरह है वो चीज़ ऑफर नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कॉस्ट कटिंग मुझे दिख रहा है इस प्राइस पॉइंट पे भी। 2024 में जो बदलाव किए गए उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे पहले बदलाव आप यहाँ पे देखो, पहले ये चीज़ मैनुअल में आती थी, बट अब ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कर दी गई है। एडजस्टेबल 6 एडजस्टेबल सीट आपको देखने को मिलती है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। दूसरी बदलाव की बात करें तो यहाँ पे आप 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम देख सकते हो जो कि पहले छोटा हुआ करता था और यहाँ पे आपको नॉब वगैरह देखने को मिलती थी। और बात करें तो बाकी तो ऐसे सेम है, वेंटिलेटर सीट वगैरह आपको देखने को मिली जाती है। गाड़ी को यहाँ पे हम ऑन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि मैनुअल है तो यहाँ पे आपको क्लच पेडल वगैरह देखने को मिली जाती है। ऑटोमेटिक रहती तो वहाँ पे डेड पेडल आपको देखने को सिर्फ मिलता है, क्लच पेडल नहीं देखने को मिलता, ये सब चीज़ें तो खैर कॉमन है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर में हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है, तो चारों पावर विंडो के कंट्रोल से चाइल्ड सेफ्टी आपको यहाँ बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ओवर विम कप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे क्रोम में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा पियानो टच आपको देखने को मिल जाता है, डुअल टोन में दरवाजे रखे गए, थोड़ा सा सॉफ्ट टच है, बाकी स्पेस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पीकर वगैरह रखे गए हैं। हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ से लाइट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, ऑटोमेटिक वाइपर्स का कंट्रोल है, यहाँ ऑटोमेटिक लाइट्स वगैरह के आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हैंड ब्रेक आप देख सकते हो, यहाँ पे लेदर की स्टिचिंग है, बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बात करें स्पेस वगैरह आपको अच्छा खासा ही रखा गया, मतलब एक फोन वगैरह तो आराम से यहाँ पे फिट हो जाएगा। बाकी पेप्सी के कैन वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हो, थोड़ा कॉइन्स वगैरह तो यहाँ पे रख सकते हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टाइप सी के आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाती है, अच्छी चीज़ है। ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों सेट आपको वेंटिलेटेड सीट रखे गए हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं गर्मियों में, ये फीचर सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलता है, लॉक वगैरह करना आप यहीं से कर सकते हो, 6-speed गियर बॉक्स है। अगर बात करें इस पार्ट से ना तो देखो कितना प्रीमियम इंटीरियर फील करा रहा है, मतलब डुअल टोन के साथ यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे गोल्डन टच भी रखा गया, एकदम जबरदस्त लग रहा है देखने में। यहाँ पे बात करें टिकट होल्डर वगैरह आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे बात करें आपको कोई भी लाइट्स वगैरह तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको मिरर वगैरह रखे गए, लाइट्स वगैरह आपको यहीं पे हैं, बाकी ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक में ही रखी गई है। सनरूफ है पसंदीदा फीचर हमारा, बट एक रिक्वेस्ट है चलती गाड़ी में आप सनरूफ से बाहर ना निकले। बाकी कुछ इस तरह का स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है 2 spoke के साथ, तो किसी के लिए एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इसे ड्राइव करना, किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मुझे तो कोई शिकायत नहीं होती इस टाइप के स्टेयरिंग व्हील से, कन्वीनियंट लगता है मुझे, चाहे आप यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो। बाकी यहाँ पे जो टच है वो काफ़ी थोड़ा सा प्रीमियम फील ऑफकोर्स थोड़ा सा होता है। 6 airbag आपको जैसे गाड़ी मिलते हैं, यहाँ पे स्कोडा की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बाकी बात करें आप यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है, सबसे पहले तो अगर आप इस चीज़ को करोगे तो यहाँ पे इकोनॉमी आप देख सकते हो, RPM मीटर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको एक थोड़ा सा फन टू ड्राइव नेचर आपको इसी से फील देने वाला है कि यहाँ पे आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है। और बात करें तो इसी में आप एवरेज इकोनॉमी डिस्टेंस टाइम स्पीड वगैरह आप यहीं पे सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। बाकी चीज़ें बात करें यहाँ पे किलोमीटर आवर आपका वहाँ पे हो गया, बाकी ये चीज़ आपकी यहाँ पे स्पीडोमीटर में कन्वर्ट हो गई, आपके RPM मीटर में हो गया। और इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है जैसे मैंने बताया आप सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले टाइम, डिस्प्ले ड्राइविंग डेटा, डिस्प्ले टाइम, डिस्टेंस टाइम सॉरी, एवरेज टाइम, ऑडियो, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी इधर सारे FM के कंट्रोल्स हो गए, वॉइस कमांड का आपको फीचर हो गया, म्यूजिक के कंट्रोल इधर हो गए, बाकी ड्राइव के रिलेटेड यहाँ पे सारे चीज़ें हो गई। यहाँ पे बात करें बटन विदाउट फंक्शन, ये एक्चुअली मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है बटन विदाउट फंक्शन, तो इसके बारे में अगर पता हो तो जरूर आप मुझे कमेंट में बताएं। बाकी 10 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो कि सपोर्ट करेगा एप्पल कार प्ले एंड ऑटो कनेक्टिविटी वायरलेसली, सारे फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कंजप्शन किलोमीटर पर लीटर, टाइम, स्पीड, ट्रिप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फ़ोन, रेडियो, नेविगेशन जो शॉर्टकट नेविगेशन होती है, एप्पल कार प्ले एंड ऑटो, फ़ोन कनेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी स्मूथ है, ऐसा कोई परेशानी मुझे नहीं हो रही है, अच्छा खासा आपको स्मूथ फील हो रहा है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो कूल ग्लव बॉक्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी बात करें जो सेंटर कंसोल है ना, तो अर्गोनॉमिक वाइज आप देखो, मतलब हर चीज़ ऐसे फिट एंड फिनिश है ना कि आपको कहीं कोई चीज़ निराश नहीं करेगी, हर चीज़ आपको थोड़ा सा ड्राइवर ओरिएंटेड है। थोड़ा सा ये चीज़ मतलब टच स्क्रीन में बटन्स वगैरह दे देते तो ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पे आप देखो AC वगैरह कंट्रोल करनी है तो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो,
सारे टच के पैड, मतलब टच पैड से ही हो जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑटो में रखना है, यहाँ से कर सकते हो, एसी ऑन ऑफ करना आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी एयर केयर है यहाँ पे। और जो ये गाड़ी पहली बार लेने वाले हैं उनको एक शिकायत होगी कि इसे बंद कैसे करें, क्योंकि इसके बाद ये बंद नहीं होती। तो जस्ट आपको इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ये बंद हो गई। पढ़ाना है ये चीज़ देखो भाई, कमाल की चीज़ है, तगड़ी चीज़ लग रही है। हैजर्ड लाइट के बटन वगैरह हो गए, यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिली जाती है। वेंटिलेटेड सीट मैंने जैसा बता ही दिया, यहाँ पे वायरलेस चार्जर वगैरह है। और यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा स्कोडा वगैरह की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक रखा गया है, ये चीज़ सॉफ्ट टच में आपको देखने को नहीं मिलती। बाकी ट्विटर वगैरह वहाँ पे देखने को मिलती है, स्कोडा शाउंड आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें आपको 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं, ABS, CBD, SP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडर कंट्रोल, जैसे तमाम फीचर आपको सेफ्टी में रखे गए। ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग भी है इस गाड़ी की। बट अगर आप सोचोगे कि अगर आप बेस वेरिएंट लोगे, एम्बिशन वेरिएंट लोगे जो कि हमारे सामने खड़ी है वहाँ पे, तो उसमें आपको 6 एयरबैग का प्रोविजन नहीं रखा गया है। उसमें आपको 2 ही एयरबैग देखने को मिलेंगे, और ये जो बड़ा टच स्क्रीन है आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये चीज़ आपके एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, डिजिटल में नहीं है। बाकी एक बार आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लो सारी चीज़ें, मैं एक बार इसे ऑफ करता हूँ और ऑन करके आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो जो भी ट्रिप वगैरह है, टाइम है, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें शो होंगी यहाँ पे। थोड़ा सा आपको डिज़ाइन थीम देखने को मिलते हैं, अच्छा लगता है देखने में। और ये जो डाइल्स वगैरह हैं, ये जो नॉब टाइप के इन्होंने दे रखे ना, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। सो यही सारी चीज़ें थी स्कोडा शलावे के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी जो मैंने अपडेट दी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर करें लाइक। जब भी गाड़ी चलाए सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, बाइक राइडिंग दौरान हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर।